आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर दमोह मध्य प्रदेश से। केडी जैन ब्लॉक ब्यूरो चीफ एवं रुकसिन योथी कैमरामैन के साथ। भारत को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ग्राम की स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। बारिश शुरू होते ही ग्राम पंचायत का विकास दिखाई देने लगता है, जहाँ पानी निकासी एवं सड़क व्यवस्थाओं के लिए लाखों रुपए का व्यय करके विकास की बात की जाती है। वही कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां 40% से ज्यादा आबादी 5 दशकों से सड़क के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रही है। मामला जनपद पंचायत हटा का है, जहां लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली ग्राम पंचायत शिवपुर के ग्राम पुराना खेड़ा में न तो सड़क है न ही कोई सीसी बनाई गई है। बरसात के मौसम में यहाँ की स्थिति खराब नजर आती है, जैसे कोई मरीज, गर्भवती महिला या जो चलने फिरने में असहाय होते हैं उनके लिए चारपाई या अन्य प्रकार से हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। साथ ही रास्ता न होने के कारण ग्रामीणों को 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है और लोगों को जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि रास्ता बनवाने के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक रास्ता नहीं बना और न ही राशि का पता चला। स्थानीय लोगों की माने तो विगत वर्ष 10-12 ट्राली मुरम डालकर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया गया एवं फिर कभी काम नहीं लगा। अब ग्रामीणों ने परेशान होकर मीडिया के माध्यम से सड़क बनाने की मांग की है, जबकि स्थानीय लोगों द्वारा सांसद तक को लिखित रूप से शिकायत कर दी गई है, लेकिन अब भी लोग सड़क के लिए परेशान हैं और यही विकास की जमीनी हकीकत है। जब इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि पीएल तंतुवाया से बात की तो उनका कहना था, मैं दिखवाता हूँ और वहाँ जल्द ही रोड का कार्य शुरू करवाता हूँ। कब से डाली है ऐसी रोड? ये रोड के तो हजूर 50 साल हो गए, अब काम होगा। मतलब प्रशासन ने कोई मदद नहीं मिली यहाँ से? कोई मदद नहीं मिली हजूर, हाथ पिंची कर रहे उनसे, बुला भी रहे सरकार, हाँ सरकार हमारी कोई सुन नहीं रहा। क्या नाम है? हमारा मुरारी पटेल नाम है, यहीं की निवास है और इखड़ा टोला पुराना खेड़ा शिवपुर पंचायत। क्या समस्या है? समस्या जा ही है, हम लोग बाजार मड़िया तो जाती है तो इसी में से डेली आना जाना है। कुछ भी कोने बीमारी पड़ जाता, हमारा चाचा भी बीमार पड़ गया तो चार पाई से लगे थे 2019 में, और विधायक जी को और सांसद को सबको जे दे, अब दरखास्त भी 4-5 रखे हैं, ये तो पावती भी रखे वैसे कि मैं कोई सुनाई नहीं हो रही। अब कई मुरम सी डरन लगी, अब बेई पैसा को पता नहीं जाएगा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। कई 10 लाख निकले विधायक जी कहते, बे जावर कहते 50 साल से का करते रहे, 50 साल 70 साल से बब्बा से कहो। का नाम बहू? संजीव बहू। का दिक्कत है? या खबना की दिक्कत है बेटा, और का दिक्कत है? कब से है? आ तो हो गए 20 साल है जब से है खबना। क्या नाम से? 50 साल है। कबाउनी बहू ठीक? हाँ कबाउनी हो रहा ठीक। बब्बा हमारा हो गया? बब्बा होगा खत्म तो नहीं कछु हो। बब्बा गए में हो गए देखा था ये खबना में निकालने काटने मर गए तो ले आया तो खबना में बीमार हो गए थे। हाँ बीमार हो गए थे। समस्या है भाई जाकर कड़वे की समस्या है, खर्चने में कड़ नहीं पा रही है। कब से है दिक्कत? अरे 50 साल से। विधायक जी से नहीं बोला कभी? बोला थे सुबह बस वोट ले आए बस आओ तो का हम आओ तो देख के बाद में यही खचना में हो जात रोज को जहाँ जाने सो आ जाए चाहे रात के आ जा चाहे दिन के आवे और जैसे बीमार हो जावे चाहे साजे में जावे आधी रात में मौका या सुई सही में जा रहा है नहीं मैं जानू तो देखा था मोरा है बीमार हो जावे सो खचना में जावे वो तो ले आवे आउ थे सो जो देखवे नहीं आउ थिया बताएं। सब जा समस्या है के ते कोई हो डिलीवरी हो तो मतलब लेख नहीं जा सकते हैं चाय पार पे लेकर जाओ और का नाम से 50 साल से परेशान है, चप्पल जूता हाथ में लेकर चलने पड़ा था और का नाम से है कोई सुनाई नहीं हो रही हमारे यहाँ, हमारे लड़का वाले पढ़ नहीं सकते हैं। बच्चे कहाँ से जाते हैं? यहीं से? हाँ यहीं से जाते हैं सर से ऊपर तक। कितनी दूर है स्कूल? 2 किलोमीटर है सर। कोई सुनाई नहीं हो रही है यहाँ पर, डिलीवरी हो जाए तो हाथ कंधे पे ले जाना पड़ती है, कोई वाहन नहीं थे आता है, सारी परेशानी है हम लोग को।
कहाँ के निवासी हो? पुराना खेड़ा। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि अपने यहाँ से रोड नहीं है, दलदल में फंसते हुए जाते हैं हम लोग यहाँ घर तक। करीब कब से समस्या है जी? करीब जब से हम तो देखते हैं, जब से हमारा जन्म हुआ ना तभी से यही समस्या देखते आ रहे हैं, और वैसे ही अभी देखते चले जा रहे हैं, पता नहीं है कब तक इसका निदान होगा। जैसे कोई गर्भवती महिला होती है तो उसका कैसा निराकरण होता निकलने में? कोई नहीं, उसको या तो चारपाई पे ले जाते हैं उठा के, या जैसे बन के पैदल चला के ले जाते हैं वहाँ तक रोड तक। एम्बुलेंस वगैरह की सर? नहीं, कोई सुविधा नहीं यहाँ आ पाती है। तीन हमारे ग्राम में, पुराना खेड़ा ग्राम में कम से कम 300 परिवार रहते हैं यहाँ पे, तो 300 परिवारों के लिए अगर आप खाना आटा पिसाने जाते हैं तो इसी दलदल से फंस के जाते हैं, और कुछ भी लेने जाते हैं मार्केट जाते हैं तो इसी दलदल से होकर जाते हैं। इसलिए कहो जो बीमार लोग पड़े रहते हैं वहाँ पे, तो कहो हम हफ्तों 15 दिन तक इलाज कराने नहीं पहुँच पाते हैं वो। छावी आपकी जो गाड़ी फंसी हुई है, आप कहाँ गए थे? हम अपने काम से मढ़िया तो गए थे। तो गाड़ी ने कहा आप घर जा रहे हो? जी हाँ, गाड़ी लेके जा रहे हैं। दिक्कत हो रही, गाड़ी नहीं निकल पा रही है। निकल पा रही है। तो आप क्या चाहते हैं फिर? हम तो ये चाहते कि हम गाड़ी लेके यहीं, या तो यहीं छोड़ जाएंगे अब गाड़ी को, इसके बाद घर जा पाएंगे। शासन से क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? शासन से तो ये चाहते कि हमारे यहाँ की रास्ता बनवा दी जाए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई बनवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पूर्व में कभी शिकायत की? शिकायत तो की थी, बहुत जगह की कर चुके हैं, लेकिन बता रहे पता नहीं है। ऐसे में जाती हूँ अपनी तो नहीं लगी पंचायत में गई लगी थी अब मर गया तो जाना पड़ा। और ऐसे खर्च दल दल से बीमार हो जाए तो हमारी नाती कन्या ले आखे जात है हम आप एक प्रयास तो कौन मोक्ष हो जाओ तो दूध और का दिक्कत यहां आती है तो गब जा सो मर जा इते हाओ। कब से है जे ऐसा लल लल? जब से जन्म 50 साल से पुजान कुल 50 साल ये सही से देखा था हमका पर हमें तो रोटी वालों कमाऊं ये सही में 50 साल या हती 70 साल 50 साल से ज्यादा हो गई हमारे बाप की बाप लोग का चाहा तो शासन आज मुझे चल कलेक्टर साहब की थे रोटी जा रहा है करवा दो बस कार्य जा नहीं पा रहा चार महीने। अब जे कोचिंग होले।